सलाम अलैकुम। आपका मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर वापस है। आई एम सॉरी वीडियो नहीं आई। अब मैं क्या कर सकता हूँ मतलब यार बहुत पेपर वेपर चल रहे थे मेरे और सीन हो रहे थे, बिजी था मैं। हाँ मुझे पता है मैं हर बार एक्सक्यूज बनाता हूँ, लेकिन अब जिंदगी ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। खैर खुशखबरी ये कि ये एक और व्लॉग है और काफ़ी लंबा व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं लाहौर और इस्लामाबाद गया हूँ, तो वाई नॉट। तो हमने गए और खूब इंजॉय किया, उसके बारे में टिकट बुक कराए एक दिन में PIA। हाँ PIA, मुझे पता है PIA, लेकिन यार खाना नहीं मिला यार। खैर कोई बात नहीं, खाना ज़रूरी नहीं था, 2 घंटे की तो फ्लाइट थी। हमने टिकट्स लिया, अगले पैकिंग की बड़े ठूस ठूस के, और हमने अगले दिन पकड़ी। सुबह सुबह हम लोग निकले और गए एयरपोर्ट। जी हम लोग अंदर बैठे हुए एयरपोर्ट के अंदर, अभी चेकिंग वाला सिस्टम हो रहा है पूरा, और अभी ट्रेन पारी रखनी है अभी तकरीबन 1-1.5 घंटा, बस इंतज़ार कर रहे हैं। ये भाई बैठे हुए हमारे, ठीक है, हसीन और हाँ सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी, मास्क लगा के रखना। पहुँचे तो चेकिंग वेकिंग हुई, जो आपको पता है होती है, जाहिर बात है होनी भी चाहिए। चेकिंग हुई, बैठे, पानी पिया और फिर हमें जहाज़ में बुला लिया गया। लोग जहाज़ में बैठे, जहाज़ ने परवाज़ ली, और हसन जो कि फर्स्ट टाइमर था, वो समझ रहा था कि बहुत मज़ा आएगा फ्लाइट में, कुछ ऐसा होगा, नीचे व्यू देख के इंजॉय करूँगा। भाई साहब ना बोर हुए, मतलब ना बंदे ने नीचे को व्यू देखा, तो मैंने कहा बेटा सीट मुझे दे दो, विंडो सीट। तो बस मैंने विंडो सीट एंजॉय की पूरा वक्त, ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, दिल की चाहत पूरी हो गई, बस खुशी हुई, खुशी बहुत। फ्लाइट में हम लोग फ्लाइट में और काफ़ी बोरिंग है इधर, सब सो रहे हैं, हम लोग उठे हैं वैसे, क्या कहते हो मज़ा आ रहा? नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग है। नहीं ऐसा ही होता है, बाकी मैं तो व्यू एंजॉय कर रहा हूँ कब से यार। मेरी जगह पब्स की है। हाँ इसकी जगह थी बेचारे की, मैंने ले ली सैड लाइफ। लेकिन भाई ये तो नीचे नहीं देख रहा था, मैं तो देख रहा हूँ ना, मुझे ही दे दे। वेले वेले क्या यार भाई, नॉलेज गेन होती नॉलेज। बस अभी हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, एयरपोर्ट पे मिलेंगे लाहौर की।
जैसे फ्लाइट में बोर वोर हो के जैसे भी सीन हुआ, हम लोग आखिरकार लाहौर पहुंच गए। और लाहौर में हमारे साथ भंड ये हुआ कि हम लोग अपना एक्सबॉक्स तो लेकर गए, लेकिन हमसे HDMI गुम गया, तो हम लोग लाहौर में तो एक्सबॉक्स नहीं खेल पाए। क्या करते पूरा मतलब बोर होते और क्या होते। खैर लकीली अगले दिन हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, जहाँ पे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये अच्छी बात है कि हम लोग रिश्तेदारों के घर चले गए, वरना बोर ही अच्छे मर जाते हम लोग। और हाँ यार, एडिटिंग के वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाहौर की जितनी भी क्लिप्स थी वो मेरी सारी डिलीट हो चुकी हैं, मेरा सारा फोल्डर उड़ गया। सैड लाइफ भाई, ये करना पड़ता है यार व्लॉग के लिए। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो भाइयों और बहनों और सबों जो भी हो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस में। हाँ, और स्टे कर रहे हैं अभी, तो रूम काफी अच्छा है। आए चले हम आपको दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं चले। तो जी शुरू करते हैं। खूबसूरत व्यू से आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे क्या मतलब, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सामने हमारी इतनी बड़ी खिड़की आ गई जो पूरी नेचुरल लाइट दे रही है हमें। और ये देखें भाई, बड़ा अच्छा सा कर्टेन लगा हुआ इधर। ये हमारी सहूलियत के लिए एक टीवी है। एक भंड हो गया हमसे, हम एक्सबॉक्स खेलना चाह रहे थे, हम HDMI भूल गए, बड़ा सीन हो गया। चले कोई बात नहीं, ये हमारा वॉशरूम पे हम बाद में आते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा ओवरऑल रूम। ये पार्डन अस फॉर द मेस वी हैव क्रिएटेड हियर, सही हो जाएगा। आप क्या करें, अभी तो आए थे कुछ देर पहले। ये हमारे दो बेड हैं, एक बेड, ये दूसरा बेड, उधर से हमारा सामान रखा है, लगेज पड़ा है, ये एक और लगेज बैग है, ये कुछ चप्पलें पड़ी हुई हैं, और ये हमारा नाश्ते का टेबल है जहाँ हम लोग अपने हम लोगों ने धबरदूस खरीद दिया खाने को। और ये कंट्रोलर लाए थे हम, अभी कुछ करेंगे, बस ये जूस की बोतल है जो हमने पी नहीं। ये हमारे भाई हैं। हेलो, अब हम चलते हैं गेस्ट हाउस के दौर, अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। भाई देखो, कोई सीधी सीधी बात है, ये वॉशरूम है जहाँ होता है, ये जो होता है वॉशरूम में वही इधर भी होता है, कोई मसला ही नहीं है। अभी जरा चलते हैं, अरे मैं अपनी चप्पल तो पहन लूँ। तो बच्चों, ये हमने खोला और ये थोड़ा ऐसा आया बाहर, और वैसे ही आते हैं, हमें देखने को मिलती है ये खाली जगह, और यहाँ पे वाइब्रेशन बड़ी हो रही है, मैं अपना मोबाइल गिराने दूँ। आप देख लो, हम लोग को चार फ्लोर ऊपर हैं। ये भाई हसन का मोबाइल अभी दाव पे लगा हुआ है, ये हम ज़्यादा देर तक दाव पे लगाते नहीं हैं। ये राउटर्स पड़े हुए हैं भाई, बड़ी टाइट एंड टेन चल रहा है इधर। और इधर ये है, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। गर्मी बहुत है लाहौर, गर्मी शदीद है भाई। हाँ, कमरे में AC चला के रखा हुआ है, हम लोग बाहर ही नहीं आ रहे। और बस ये था हमारा रूम टूर शॉर्ट सा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाय बाय। जी क्लिप्स थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, बाकी आई एम सॉरी यार। और बस हमने फिर क्या किया, लाहौर के बाद बस में सफ़र किया और निकले इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में पहुँचे, बहुत रात हो चुकी थी उस दिन, तो कोई हम लोग घूम नहीं पाए, लेकिन अगले दिन के शॉट्स आपको दिखाता हूँ। Thank you.
ऑफिशियली अराइव्ड एट इस्लामाबाद टोल प्लाजा. हेलो, ये ओनली टोल प्लाजा. और ये देखो मुर्गिया जा रही तो ये हम लोग एम टैक वाले थे, थोड़े वीआईपी लोग हम लोग, तो लेट्स गो. चलो वेलकम शाबाद. अब हम मिलते हैं आपको डायरेक्ट डाइवो स्टेशन पे. लेकिन टर्न आउट के इस्लामाबाद का वेदर ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. तो देखे आप आगे क्या होता है. व्यू देखें आप, वहाँ पार्लियामेंट है. हाँ वो पार्लियामेंट है. और कैसल मस्जिद भी थी लेकिन मस्जिद अभी दिख नहीं रही है, बहुत टाइट है विद लिम्का. मेरा गोला डंडा बन रहा है अभी.